के बसीभूत हो गया, वो गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है। राम के बसीभूत हो जाए तो उठ जाता है जैसे विभीषण उठ गया। रावण के बसीभूत हो जाती है जैसे मंदोदरी, मंद उदर वाली, जिसका बुद्धरूपी पेट मंद था तो उसको समझाए नहीं सकी, उसके प्रभाव में आ गई तो वो तो गिरी हुई है, तो उसको गिराना नहीं है। और भी उसको एक लात लगा दो तो बेचारे को, ऐसे नहीं करना। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। इसको जो मंद उदर वाली है, जिसका बुद्धरूपी पेट मंद बन चुका है, उसकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान टिकता नहीं है, ईश्वर के प्रति स्नेह बैठता नहीं है, असुरों के प्रति स्नेह बैठता है, जो कीचक हैं उन कीचकों के प्रति स्नेह बैठ जाता है। स्व कौन है और पर कौन है, इस बात का बुद्धि में फैसला नहीं कर पाती। तो ऐसों को स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट है चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या सुधार करना है, परिवर्तन करना है, तो शुरुआत कहां से करनी है? चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहला है अपना घर, ये शरीर। अपने अंदर से परिवर्तन करो, फिर शरीर जिस घर में रहता है, जिस परिवार के बीच में रहता है, उन परिवार के जो स्वजन हैं, उनका पहले कल्याण करो। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम होती है ना, घर का सुधार फिर पर का सुधार, उल्टा नहीं करना। क्या घर में आग लगी हुई हो और गांव में भी आग लगी हुई हो, तो कोई गांव के बाल बच्चों को जाकर पहले पानी डालता है क्या? क्या करता है? पहले अपने घर को सुधारता है, संभालता है। सारी दुनिया में एटम बम मंडराए रहे हैं, आकाश में भी मंडराए रहे हैं, पृथ्वी के अंदर भी सुरंग बना करके डाले हुए हैं, सारी दुनिया के ऊपर विनाश का साया फैला हुआ है। तो पहले किस देश की सेवा करनी है? हैं? पहले अपने देश की सेवा करनी है या पराए देश में जाकर के 50,000 का वेतन लेना है? क्या करना है? पहले तो अपने देश की सेवा करनी चाहिए ना। तो पहला घर है अपना शरीर, उसके बाद दूसरा अपना घर परिवार, उसके बाद मोहल्ले वाले, उसके बाद अपना गांव, उसके बाद अपना जिला, उसके बाद अपना सूबा स्टेट, उसके बाद अपना देश, फिर है सारी विश्व। ये क्रम है, ये हिसाब है। पशु पक्षी भी पहले अपनी जाति की तरफदारी करते हैं, उनको भी इतनी अकल होती है। तो मनुष्य तो गुणों का निधान कहा जाता है, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तो बोला पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी। किसके साथी? जो ब्राह्मण परिवार है, ब्रह्मा परिवार, ब्रह्मा का परिवार। ब्राह्मण शब्द किससे बनता है? ब्रह्मा की औलाद बने ब्राह्मण। क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम ऐसे ही नहीं पड़ जाता है? प्रैक्टिकल में कर्म किया है तो नाम पड़ता है। ब्रह्मा, ब्रह्म ने बड़ी और माँ माने माँ, दुनिया की बड़े ते बड़ी माँ। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतनी सहानुभूति दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा ने नहीं दे पाई जितना ब्रह्मा देता है। इसलिए कहा जाता है पहली गुरु है माता, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, तीसरे नंबर पर महेश्वर है।
तो महाईश्वर, लेकिन डाल दिया किस नंबर पर? तीसरे नंबर पर। तो माता गुरु है पहले, उस माता गुरु ब्रह्मा के हम सब बच्चे बनते हैं प्रैक्टिकल में। किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के गुरु ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण परिवार उसका सुधार करना पहला हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मण परिवार के साथ ही। तो पूर्व जन्म भूल जाना चाहिए। पूर्व जन्म कौन सा, कौन सा पूर्व जन्म भूल जाना चाहिए? जो शारीरिक जन्म मिला हुआ है, शारीर का लौकिक जन्म मिला हुआ है वो है पूर्व जन्म। और अभी हम किसके बच्चे बन गए, किसकी गोद ले ली? सारा जीवन किसके डायरेक्शन पर गुजार रहे हैं? डायरेक्ट ब्रह्मा के डायरेक्शन पर गुजार रहे हैं। ब्रह्मा मुख की बात न माने तो ब्राह्मण बच्चा नहीं। ये मुख की पैदाइश है, शास्त्रों में इसका जिक्र है। क्या ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा हुए। तो प्रैक्टिकल में अभी हो रहे हैं। ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव गॉड फादर ईश्वर ने, सुप्रीम सोल शिव ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो वेदवाणी कही जाती है। ब्रह्मा की उच्छ्वास से वेद निकले, वो वेदवाणी अभी निकल रही है। उस वेदवाणी का अभी अगर पालन न किया तो हम ब्राह्मण बच्चे नहीं। भगवान भी कहते हैं गीता, मुझे ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान भगवान से आता है। अज्ञान कहां से आता है? अज्ञान मनुष्य गुरुओं से आता है। तो दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। इतने बड़े बड़े मनुष्य गुरु हुए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक हुए, दुनिया नीचे गिरती जाती है या ऊपर उठती है? नीचे गिरती जा रही है। लेकिन भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो कलयुगी नर को नारायण जैसा सतयुग में बनाता है। कलयुग को पलट करके क्या बनाता है? सत्य का युग बनाता है। अभी ये सारी दुनिया झूठ खंड हो गई। झूठ खंड को पलट करके सच खंड बनाने वाला आया हुआ है। तो पहले पहले हम सुधार कहाँ से शुरू करें? अपने ब्राह्मण परिवार से सुधार करें। ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुए उसके लिए शास्त्रों में गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कि ब्रह्मा के मुख से दो प्रकार के ब्राह्मण पैदा हुए। रावण कुंभकर्ण मेघनाद भी कैसे ब्राह्मण थे? आसुरी ब्राह्मण थे। और कुंभकर्ण विश्वामित्र जैसे कैसे ब्राह्मण थे? सच्चे ब्राह्मण थे, सच्चा पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण थे। सच्चे ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा होती है या झूठे आसुरी ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा होती है? आसुरी ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा होती है। दुनिया में भी देखा जाए तो सच्चे और अच्छे लोग कम होते हैं। पांडवी वृत्ति को धारण करने वाले उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5 होते हैं और 95% बुरे होते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से जो पैदाइश होती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, वो भी 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक पांडव और दूसरे एक कौरव। सबसे बड़े से बड़ा पंडा है जो सुखधाम और शांति धाम की यात्रा कराने के लिए आता है, वो है परमात्मा। वो पंडे के पुत्र हैं पांडव, बहुत थोड़ी संख्या में है, उंगलियों पर गिने जाने योग्य हैं। और जो कौरव हैं ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, वो करोड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी सारे विश्व में फैल चुके हैं, जो करोड़ों की संख्या में फैल गए। उनमें पांडव बहुत थोड़े हैं जिनको लात मार करके देश निकाला मिलता है। क्या उनके साथ लतसंग किया जाता है?
क्या किया जाता है? लतसंग। मनुष्य करते हैं लतसंग और परमात्मा करता है सत्संग। परमात्मा के जो बच्चे हैं उनका ये काम है कि जो सच्चे सच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने वाले, उस परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान दें। क्या इशारा मिला है? इशारा ये मिला कि जब घर में आग लगती है, गांव में आग लगती है, तो पहले अपने परिवार को देखना पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही अगर फूट पड़ जाए, ब्राह्मणों की दुनिया के ब्रह्मा बच्चे ही अगर राक्षस बन जाएं, तो पहले सेवा किसकी करनी चाहिए? जो परमात्मा बाप से बिछुड़े हुए हैं, रावण की शरण जिन्होंने ले रखी है, उनको सुधारने के प्रयास में लगना चाहिए, या जिन्होंने संदेश ही नहीं लिया? परमात्मा बाप के बच्चे ही नहीं बने, उनके पीछे जाना चाहिए। पहले अपने परिवार का सुधार। बेसिक में भी और एडवांस में भी। एडवांस में भी जो बिछुड़े हुए हैं उनको उठाना हर ब्राह्मण बच्चे का धर्म है। उनके प्रभाव में नहीं आना। क्या? प्रभाव में नहीं आना। जो बिछुड़े हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, उनके प्रभाव में नहीं आना, लेकिन उनको उठाना। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी। एडवांस में भी शुरुआत में कोई सेवा के साथी थे ना? नहीं थे? थे। सृष्टि की शुरुआत चार ब्राह्मणों से मानी जाती है। कौन है चार ब्राह्मण? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। रामायण में उनको राम के चार भाई बता दिए। कहते हैं चार भाइयों का चारों दिशाओं में राज्य था। मुख्य धर्म कितने हैं? चार मुख्य धर्म है। देवी देवता, सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, जिसका बिगड़ा हुआ रूप। दूसरा धर्म है इस्लाम धर्म, जो दक्षिणी दुनिया में फैला हुआ है, अफ्रीका और अरब देश में। उत्तर में है क्रिश्चियन धर्म, क्राइस्ट के द्वारा फला फूला धर्म। और चीन जापान में पूरब की ओर बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने जो धर्म फैलाया उसमें आत्मा परमात्मा का कोई जिक्र नहीं आया। है भारत से प्रकट हुआ धर्म, लेकिन आत्मा परमात्मा का कोई जिक्र नहीं। माना अर्धनास्तिकता शुरू हो जाती है। वो जो पूर्वी धर्म खंड है उसमें आज सभी नास्तिक बन गए। किसी साकार देवी देवता को, साकार भगवान को मानने वाले नहीं है। अगर मानते हैं तो मनुष्य गुरु महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानते हैं। तो बोला अपने जो भी सर्व साथी है सेवा के, चाहे आदि वाले हों और चलते चलते ब्राह्मणत्व से नीचे गिर गए हों, ब्राह्मणत्व से नीचे गिर करके वैश्य विशेष और शूद्र बन गए हों, उनको फिर से उठाना है। सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखावे, क्या करा? क्या बिच्छू का काम क्या है? डंक मारना। बिच्छू का काम है डंक मारना। और महात्मा का क्या मिसाल दिया हुआ है शास्त्रों ने? वो बार बार डंक मारता था और वो बार बार क्या करता था? तो जो जैसे स्वभाव का है उसके स्वभाव को न देखना।
वो तो संघ के रंग में परिवर्तन हो गए, असल रूप में वो परिवर्तित नहीं थे, बिगड़े हुए नहीं थे। ये भारतवासी जितने भी हैं जो सतयुग त्रेता में सुख भोगते रहे, राम कृष्ण के राज्य में, नारायण के राज्य में, राम के राज्य में जिन्होंने सुख भोगा, वो द्वापर युग के द्वैतवादी युग से दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभाव में आ गए। तो जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाले दूसरों के प्रभाव में आ गए हैं, उनको उन दूसरों के प्रभाव से छुटाना है, उनको सच्चा ब्राह्मण बनाना है। ब्रह्मा के डायरेक्शंस को फॉलो करने वाला ब्राह्मण बच्चा बनाना है। है तो सभी नंबर वन ब्राह्मण परिवार के हर साथी को ऊंचा उठाना है। वो अपनी बुराई दिखावे, लेकिन आप उनकी विशेषताओं को देखो कि जब वो सात्विक स्टेज में थे तब उनमें कितनी विशेषताएं थी। ये तो दूसरों के संग के रंग से ये कमजोरी आ गई है। नंबर बार तो होते ही हैं। देखो हर धर्म में जो माला घुमाई जाती है वो माला के नंबर बार मन के आपका यादगार है, वो मन के आप आत्मा रूपी मणकों का यादगार है। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने वो श्रेष्ठ कर्म किया है माला रूप। ये चार मुख्य धर्मों का वर्चस्व सारी दुनिया में फैल गया। है तो सभी नंबर बार ब्राह्मण परिवार के हर साथी को ऊंचा उठाना है। वो अपनी बुराई दिखावे, लेकिन आप उनकी विशेषताओं को देखो कि जब वो सात्विक स्टेज में थे तब उनमें कितनी विशेषताएं थी। ये तो दूसरों के संग के रंग से ये कमजोरी आ गई है। नंबर बार तो होते ही हैं। देखो हर धर्म में जो माला घुमाई जाती है वो माला के नंबर बार मन के आपका यादगार है, वो मन के आप आत्मा रूपी मणकों का यादगार है। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने वो श्रेष्ठ कर्म किया है, माला रूपी ऐसा संगठन बनाया है, तो आज हर धर्म में माला घुमाई जाती है। माला के एक एक मणकों को स्पर्श करके उनको नमन करते हैं। तो नंबर बार तो है, ये माला आपका यादगार है, क्योंकि सब एक नंबर तो नहीं हो सकते। माला में जो आदि का मणका है, युगल मणका जिसे कहा जाता है, सभी चाहे हम लक्ष्मी नारायण बन जाएं, सतयुग के मालिक बन जाएं, वो तो नहीं बन सकते। नंबर बार तो बन सकते हैं ना, 108 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 108। 12 नेमा 108। सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं कितने राशियों में बटे हुए हैं? 12 राशियों में बटे हुए हैं। उन 12 के ग्रुप्स का 9 का संगठन है। दुनिया के 9-10 धर्म ऐसे हैं जो सारी दुनिया को कवर किए हुए हैं। अभी कलयुग का अंत आ चुका, हर धर्म का प्राकट्य हो चुका। सतयुग त्रेता में सनातन धर्म था असली रूप में। आज से 2500 वर्ष पूर्व इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, फिर 250 वर्ष के बाद क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। ये चार मुख्य धर्मों का वर्चस्व सारी दुनिया में फैल गया। देवता, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन धर्म, बाकी बाद में इन्हीं से निकले हुए छेड़े हैं। जैसे इस्लाम धर्म से मुस्लिम धर्म निकल पड़ा, महात्मा बुद्ध भी प्रकाट्य सन्यासी थे,
महात्मा बुद्ध से संन्यास धर्म शंकराचार्य का निकल पड़ा, सिख धर्म निकल पड़ा, तो जो सभी धर्म हैं वो टोटल मिलाकर के 10 धर्म दुनिया में फैले हुए हैं। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म और सन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और अंत में जो अभी जिसका राज्य चल रहा है, किसका राज्य चल रहा है, आर्य समाजियों का राज्य चल रहा है। वो देवी देवताओं को नहीं मानते लेकिन परमात्मा को मानते हैं, निराकार को मानते हैं लेकिन साकार को, भगवान का स्वरूप नहीं मानते, आधे नास्तिक हैं, उनका राज्य चल पड़ता है भारत में। और उनके ऊपर जो 10वां धर्म है रूस का, रशिया, नास्तिक धर्म, जो ना आत्मा को मानते हैं, ना परमात्मा को मानते हैं, ना स्वर्ग को मानते हैं, ना नरक को मानते हैं, ना पुनर्जन्म को मानते हैं, ऐसों का प्रभाव बढ़ता जाता है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है बिल्कुल नास्तिकता की, तब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों में अभी 2 वर्ग हो चुके हैं, एक बेसिक नॉलेज लेने वाले, पाप कर्म करने वाले, 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाने वाले, और एक है एडवांस में। जो एडवांस में आगे बढ़ गए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ गए, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसा ब्राह्मणत्व को धारण कर लिया, ऐसे उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5 पांडवी ब्राह्मण, वो गुप्त वेश में सारे भारत में नहीं विश्व के देशों में भी कुछ न कुछ गिने जानी संख्या में फैले हुए हैं, लेकिन संख्या उनकी बहुत थोड़ी है। वो परमात्मा बाप के जानकार हैं, परमात्मा बाप की रचना जो ये सृष्टि है उस सृष्टि के जानकार हैं। उन जानकार बच्चों का ये कर्तव्य है कि जो ज्ञान ईश्वर से मिला है, सत्य ज्ञान जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है, वो गीता का ज्ञान ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चों में संगठित होने के लिए फैलाने का प्रयास करें। उसके लिए सहन भी करना पड़ेगा, गालियां भी सहन करनी पड़ेंगी, ग्लानी भी सहन करनी पड़ेगी, अखबारों में ग्लानी होगी, रेडियो में ग्लानी होगी, टीवी में ग्लानी होगी, चारों तरफ ग्लानी ही ग्लानी का वातावरण बन जाए, तो भी उन्हें ग्लानी करने वालों के प्रति कैसी भावना हो, शुभ भावना हो, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर के राजा बने हैं। परमात्मा बाप ने जब राजयोग सिखाया था गीता ज्ञान देकर, तो राजाओं का राजा बनने की जो हमने क्वालिटी धारण की थी जन्म जन्मांतर के लिए, उन राजाओं ने द्वापर युग से कितना अहंकार में आकर दूसरों का शोषण करना शुरू कर दिया था, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था, एक दूसरे राजाओं की और राज्य की ग्लानी करना शुरू कर दी थी। वो हिसाब किताब अभी आखिरी जन्म में पूरा नहीं होगा क्या? पूरा करना पड़ेगा ना। प्रभुता पाहि काहि मदनाई, जिसको गद्दी मिल जाती है वो अहंकार में आकर के मदमस्त हो जाता है, और जब मदमस्त हो जाता है तो उल्टे पलटे सब प्रकार के कर्म करना शुरू कर देता है। तो परमात्मा बाप कहते हैं, बच्चे अब अपने परिवार का पहले कल्याण करो, संगठित करो, संगठन में बल है, तब वसुधैव कुटुंबकम होगा। है नहीं अपने परिवार वालों को धक्का देते जाएं और बाहर वालों को अपनाते चले जाएं,
जैसे बेसिक वालों में किया, बेसिक नॉलेज लेने वालों ने किया, ऐसा काम नहीं करना। ओम शांति।